खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में होने की बात कहें, लेकिन रीवा जिले में भ्रष्टाचारियों पर उसका कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। उसी से जुड़ी खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से आ रही है, जहां डीएम नान पंकज बोर से मऊगंज गोदाम का सर्वेयर पवन मिश्रा और रीवा सगरा फेस्ट फूड मिल के संचालक नीलेश तिवारी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि रीवा में गोदाम खाली पड़े हैं, इसके बाद भी मऊगंज में चावल रखवाना पड़ रहा है। यह तो जांच का विषय है, जबकि रीवा से सगरा की दूरी 15 किलोमीटर है, वहीं मऊगंज की दूरी 65 किलोमीटर है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है, जिससे शासन को इसका भार उठाना पड़ रहा है। डीएम नान पंकज बोर्ड से मऊगंज अपने चहेते गोदाम में फेस्ट फूड राइस मिल रीवा सगरा से चावल मऊगंज गोदाम नंबर 1 में क्यों शिफ्ट करा रहे हैं, यह शासन प्रशासन की जांच का विषय है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार डीएम नान और सर्वेयर पवन मिश्रा की मिली भगत से घटिया किस्म का चावल जो मानव उपयोगी नहीं है, इस वजह से इसे रीवा में न रखवा कर मऊगंज गोदाम नंबर 1 में रखवाया जा रहा है, जबकि पहले से गोडाउन में चावल रखा हुआ है, उसका भुगतान रोक कर नए चावल का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सर्वेयर फेस्ट फूड राइस मिल संचालक नीलेश तिवारी का सगा संबंधी मऊगंज गोदाम नंबर 1 में सर्वेयर है, जिसकी वजह से इस तरह से सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मालिक तो भरा है पूरे गोदाम में, अब दिख रहा है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग जी इन द लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन।